अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे चाय के साथ खाने वाली मज़ेदार रेसिपी मटरी। आज हम कसूरी मेथी मटरी बनाएंगे, वो भी एकदम हलवा स्टाइल में। इसके लिए हम ले लेंगे 2 कप मैदा, 1/2 कप सूजी, 1 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन को थोड़ा सा हम क्रश करके डालेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक। हम लेंगे 1/3 कप कसूरी मेथी। सारी चीज़ों को हम हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर हम मोयन के लिए डालेंगे 1/4 कप तेल। हमने रिफाइंड तेल यूज़ किया है, आप इसकी जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं। तेल को हम सारे आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिलाते रहेंगे और हम आटा को हाथ में ऐसे लेकर बाइंड करके देखेंगे। अगर हमारा आटा अच्छे से बाइंड हो पा रहा है तो इसका मतलब हमारा मोयन एकदम ठीक है। अगर आपको मोयन थोड़ा कम लग रहा है तो आप इसके थोड़ा सा 1-2 टेबल स्पून तेल और डाल सकते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूंदेंगे। हमें थोड़ा थोड़ा ही पानी डालकर गूंदना है। इसका हम एक हार्ड डो बना लेंगे। हमारा आटा एक डो की शेप में आ चुका है, इसे हम थोड़ा सा और मल लेंगे। आटे के ऊपर हम थोड़ा सा तेल लगाकर और इसे 1/2 घंटे के लिए हम रेस्ट के लिए रख देंगे। आधे घंटे हमारे हो चुके हैं, इसे हम थोड़ा सा और मल लेंगे। हम सारे आटे की छोटी छोटी लोई बना लेंगे। अब हम एक लोई लेंगे और इसे इस तरह हाथों से घोल करके हथेली की मदद से इसे मटरी का शेप दे देंगे। इसी तरह से हमें सारी मटरी तैयार कर लेनी है। आप चाहे तो इसे छोटा छोटा बेलकर भी बना सकते हैं। हमें इसे ना बहुत पतला रखना है ना मोटा रखना है, बस ऐसे ही इस तरह से रखना है हमें। अब हम फोर्क की हेल्प से इसमें थोड़े थोड़े छेद कर लेंगे जिससे मटरी फूले ना। कढ़ाही में हमने तेल गरम कर लिया है, तेल को हमने मीडियम गरम रखा है। इसमें हम एक एक करके मटरियों को डालेंगे और फ्राई करेंगे। हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। मटरी को हम ठंडा होने के बाद एक जार में भरकर रख सकते हैं और इसे हम कम से कम 15 दिन से लेकर 1-2 महीने तक रखकर भी खा सकते हैं। तो देखिए हमारी मटरी फ्राई होना शुरू हो गई है, इसका कलर भी आना शुरू हो गया है, गोल्डन ब्राउन हो चुकी है हमारी मटरी। अब हम इसे निकालेंगे। अब हम बची हुई सारी मटरियों को भी फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी मटरियों का कितना अच्छा सा कलर आया है और कितनी क्रिस्पी बनकर तैयार हुई हैं। तो आप भी इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक कर दें, फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।